तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 55 mm का जो लेंस है, 55 to 250 mm का जो लेंस है कैनन का, यहाँ पे देखिए कितना फंगस आ गया है। ये मैं जनरली यूज़ नहीं करता हूँ ये वाला लेंस, लो किट लेंस ही यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे बहुत सारा फंगस आ गया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और पिक्चर में बहुत ही दिक्कत हो रहा है अभी पिक्चर या वीडियो करने में ये वाला लेंस। तो अभी क्या करेंगे, इस लेंस को क्लीन करेंगे, पूरा खोल के आप लोगों को दिखाएंगे कैसे क्लीन करते हैं। और बहुत सारा फंगस है, और ये ऊपर का हिस्से में नहीं है, अंदर में है, और अंदर में धूल भी घुसा हुआ है। आप लोगों को यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आप पिक्चर क्लिक करें तो आप लोगों को ये महसूस होगा कितना ये दिक्कत करता है ये वाला फंगस और ये धूल। नज़दीक से देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कितना ये मतलब फंगस आ गया है अंदर में। ये देखिए कितना मतलब फंगस है, और इस तरफ भी है, चारों तरफ मतलब फंगस आ गया है। ये वाला लेंस मैं यूज़ नहीं कर रहा था, और मेरे पास कोई कैबिनेट भी नहीं है इसको रखने के लिए अच्छे से, जो कैमरा का कैबिनेट होता है, तो इसकी वजह से ये हो गया। और जनरली हर लोगों के पास कैबिनेट नहीं होता है। देखिए कितना फंगस आ गया है अंदर में, अभी हम इसको क्लीन करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी वक्त है इस फंगस को कैसे दूर करते हैं वो आप लोगों को दिखाने का। तो अभी इस लेंस को यहाँ पे जो ये वाला लेंस है, आप लोग 55 to 250 mm का ये लेंस है कैनन का, अभी इसको क्लीन करने का वक्त आ गया है। ऐसे तो आप लोगों को फंगस नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप जब बिल्कुल पास से देखेंगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा इसके अंदर कितना फंगस है। अभी लाइट के रोशनी में आप लोगों को शायद दिखाई ना दे, लेकिन अंदर में बहुत फंगस और धूल घुसा हुआ है। तो उसको क्लीन करने के लिए अभी क्या करेंगे, बहुत सारे इक्विपमेंट अभी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। तो ये वाला जो क्लीनिंग टूल आता है वो स्पेशली ऑनलाइन में मिल जाता है, तो इसका जो पहले ब्लोअर है उसको मैं यूज़ करूँगा, बाकी सारा सामान को अभी यूज़ नहीं करने वाला हूँ। सिंपल ये ब्लोअर को यूज़ करेंगे, और सब सामान को ब्रश वगैरह को अच्छे से रखेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, धूल वूल ना गिरे। और इस लेंस का दोनों तरफ का जो कवर है उसको बंद कर लेंगे, और इसको पूरा फुल जूम कर लेंगे ताकि अंदर का जो धूल है, बाहर का जो धूल है वो अंदर मतलब ना जाए बाद में। तो अभी इसको इस तरह से कीजिएगा आप लोग, ताकि धूल दूर चला जाए, जितना हो सके दूर धूल को जाने की कोशिश कीजिएगा, जितना हो सके। चारों तरफ से मैंने ऐसे क्लीन कर लिया इसको, बाहर का जो हिस्सा है उसको क्लीन कर लिया। जब भी मैं इसको खोलूं, अंदर का लेंस का जो पार्टिकल है उसको जब खोलूं, तो ये वाला धूल उसमें ना जाए, तो इसकी वजह से मैं इस तरह से इसको क्लीन कर लेता हूं। और ये वाला जो सरफेस है इसको भी थोड़ा सा मैं इस तरह से क्लीन कर लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि यहाँ का धूल ना जाए। तो उसके बाद थोड़ी देर हमें वेट करना होगा, ताकि जो एयर में जो डस्ट है वो नीचे गिर जाए, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद फिर से दिखाते हैं। कुछ आप लोग ऐसा स्मूथ सा सरफेस यूज़ कीजिएगा, ताकि इसमें कुछ मतलब ज़्यादा प्रेशर ना आए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है इसको हमें खोलना पड़ेगा, जगह भी यूज़ करेंगे यहाँ पे। और सिंपल सा यहाँ पे एक होल आपको लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे इस वाला जगह पे एक छोटा सा होल है, उसके अंदर से हम अगर ट्राई करेंगे तो आराम से ये वाला सीज उठ जाएगा यहाँ से। लेकिन इसके अंदर आप लोगों को हाथ नहीं लगाना है, ये वाला सीज याद रखिए। और धीरे से इसको हम ट्वीजर से ही निकाल सकते हैं, इसके लिए कोई मतलब दूसरा सीजों की जुगाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छा वाला ट्वीजर की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। और इस चीज़ को आराम से कीजिएगा, ताकि कोई मतलब आप लोगों को ऐसा ना हो कि ये खराब हो जाए। और इसको उल्टा करके रखिएगा धीरे से, इसका जो मतलब ग्लू है वो ख़राब ना हो, इसके इसलिए अच्छे से रखने का ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे हमें मिल रहा है अभी 3 स्क्रू यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 स्क्रू यहाँ पे है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इस फिर से ब्लो से ऐसे करके डास्ट को निकाल लेंगे, ताकि खोलने के टाइम यहाँ पे जो साइड वाला जो डास्ट है वो उसके अंदर ना चला जाए। तो इसके लिए इसको पूरा क्लीन करेंगे, ऐसे नीचे करके क्लीन करना पड़ेगा दोस्तों, ऊपर करके नहीं, इस तरह से करना पड़ेगा। तो ये हो गया है इसका क्लीनिंग, उसके बाद होगा स्क्रू को यहाँ से निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मैं अच्छा सा एकदम नया सा स्क्रू ड्राइवर ले रहा हूँ यहाँ पे, और धीरे से स्क्रू को ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, धीरे से हम खोलेंगे। तीनों स्क्रू को हमने निकाल लिया है यहाँ से, और यहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ेगा कुछ नंबर वगैरह यहाँ पे है कि नहीं। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है,
तो फिर से इसको निकालने की कोशिश करना पड़ेगा हमें, और धीरे से इस पार्ट को चारों तरफ से धीरे धीरे करके हमें इस पार्ट को निकालना पड़ेगा। ठीक है, इतना ये इजी नहीं है, तो इसके लिए मैं दो ट्वीज़र का यहाँ पे यूज़ करके देख सकता हूँ कुछ हो सके तो। ये बाहर नहीं आ रहा है, और देखिए दोस्तों धीरे से मैंने इसको निकाल लिया है यहाँ से, और इसको बिल्कुल इस तरह से रखेंगे, और इस वाले से इसको हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, इसको थोड़ा साइड में रख देंगे ताकि इसके अंदर धूल ना जाए, और इसका जुगाड़ हमें करना पड़ेगा एक कपड़े से। मैं इसको एक सॉफ्ट कपड़े से इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे कोई धूल ना जाए, और ये वाला चीज इस तरह से रहेगा, और इसको अभी हमें क्लीन करने की ज़रूरत है, तो इसको मैं सिंपल यहाँ से रख देता हूँ। और इसको क्लीन करने के लिए जो क्लीनिंग टूल्स यहाँ पे था मेरे पास, ये सब जो था उसका मैं यूज़ करने वाला हूँ, और पहले ही मैं इसमें ब्रश वगैरह की यूज़ करने वाला हूँ अभी, ताकि ब्रश से सब कुछ ठीक कर सकते हैं पहले धूल को, और अभी इस चीज़ को इस तरह से। इसमें इतना मतलब डस्ट आ गया है, ये सब यहाँ से नहीं जा रहा है, बहुत सारा डस्ट और फंगस इसके अंदर घुस गया है, तो उसको इस ब्रश से ट्राई करते हैं, शायद इस ब्रश से कुछ हो सके, लेकिन ब्रश से भी कुछ नहीं हो रहा है। तो अपनी मैं मुंह से कुछ इस तरह का मतलब हवा देके इसमें कुछ ट्राई कर रहा हूँ, तभी इसमें कुछ क्लियर हो रहा है, और अभी ट्राई करना पड़ेगा एक मतलब क्लीनर को आप जितना हो सके मत ही यूज़ कीजिए, अगर हो सके तो अपने जो मुंह से आपको जैसे हवा को दीजिए थोड़ा सा, और उसके साथ आप लोग ब्रश को स्मूथली रख कीजिए इस तरह से, बाहर की तरफ से अंदर तक आप लोगों को करना पड़ेगा इस तरह से, इस तरह से धीरे 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 आप लोग, अगर हो सके तो। अभी बहुत सारा फंगस यहाँ से चला जा रहा है, लेकिन अभी भी है अंदर, तो उसके लिए हमें शायद लग रहा है अभी क्लीनर का यूज़ करना पड़ेगा, जो क्लॉथ है उसका यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी फंगस मुझे थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो उसको निकालने के लिए हमें क्लीनिंग टूल का यूज़ करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। अभी ये जो क्लॉथ है उसका जो सॉफ्ट साइड है उसको यूज़ करेंगे, और आप लोग डायरेक्टली स्प्रे को इस मतलब लेंस के इस पार्टिकल में मत डालिए, थोड़ा सा यहाँ पे लगाइए ऐसे करके, थोड़ा सा ही यूज़ कीजिए, और अभी इसको इस तरह से। क्लॉथ का दो साइड होता है, एक होता है थोड़ा स्मूथ और एक मतलब राफ होता है, राफ वाला साइड आप लोग यहाँ पे मत ही यूज़ कीजिए, अगर ज़्यादा हैवी स्केच हो तभी आप लोग राफ वाला साइड को यूज़ कीजिएगा, और इसको धीरे धीरे करके ऐसे यूज़ करने से, और यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया है, अभी थोड़ा सा यहाँ पर डस्ट पार्टिकल बसा हुआ है, उसको आप लोग लाइट की रोशनी के साथ यहाँ पर देख सकते हैं क्लीन हुआ है कि नहीं। अभी मैं आप लोगों को कैमरा में दिखाने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि लाइट मेरे ऊपर है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ जितना हो सके डस्ट पार्टिकल को बाहर की तरफ ले आने की, और यहाँ पे बहुत ही क्लीन होता जा रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ पे है, तभी फिर से मैं ब्रश की यूज़ करूँगा यहाँ पे, ताकि इस वाला पार्टिकल्स को बाहर निकाल सके डस्ट और जो कुछ इस तरह का है। धीरे धीरे ये हो रहा है, जब तक क्लीन ना हो जाए आपका पूरा जो अंदर का डस्ट, तब तक आप लोग को ऐसे रब करना चाहिए राउंड राउंड, आप अंदर से बाहर की तरफ कीजिए और फिर बाहर से अंदर की तरफ ऐसे राउंड राउंड इसको रब कीजिए। अभी इसको रख देते हैं, ये क्लीन हो गया है, बाहर का साइड बाद में करेंगे, लेकिन अभी इसका क्या है जो पूरा फुल लेंस का है इसको भी थोड़ा क्लीन करने की ज़रूरत है, और यहाँ पे मुझे हो गया गलती, इसको मैंने इसके ऊपर ही लेंस को रख दिया था, और अभी इसको मैं क्लीन करने वाला हूँ, इसके अंदर में भी कुछ फंगस चला गया है, तो इसको भी क्लीन करने के लिए। इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे, अभी इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं।
जितना हो सके जोर जोर से कीजिएगा। अभी देखेंगे इसको कितना क्लीन हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक और भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो अंदर का जो लेंस है उसमें भी थोड़ा सा फंगस यहाँ पे आ गया है, तो उसको क्लीन करने के लिए बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए मैं इस पेन का यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ शायद, अगर इससे काम हो जाए, नहीं तो कोई दूसरा जुगाड़ करना पड़ेगा। इससे ट्राई करते हैं कुछ हो सकता है कि नहीं, नहीं हो रहा है इससे, तो इस वाला से अच्छा ट्राई करेंगे। तो ये फंगस ही है, इसको निकालना थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए भी हमें क्लॉथ की ही यूज़ करना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं केमिकल यूज़ नहीं करूँगा, सिंपली यहाँ से ट्राई करूँगा कि इससे ही निकल जाए। होपफुली यहाँ पे मैंने क्लीनिंग कर दिया है, अंदर का जो फंगस अंदर तक चला गया था लेकिन अभी थोड़ा निकल गया है। मेरे ख्याल से मेरा यह लेंस शायद सुरक्षित है, अभी भी इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। मैं अभी तक इसका कोई मतलब इतना भी डैमेज नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, तो सिंपल यहाँ पे रब करने वाला हूँ। इस ब्रश का पूरा इस्तेमाल करेंगे जितना हो सके इसको क्लीन करने के लिए। और ये क्लीन हो रहा है, अभी भी इतना ख़राब नहीं हुआ है। अभी दोस्तों इसको मैंने क्लीन कर दिया, और ज़्यादा क्लीनिंग की बारे में मत सोचिए, ज़्यादा क्लीन करने जाएंगे तो कुछ अलग ही हो सकता है। तो इसके लिए फिर से हमें एक बार देखना है लाइट के अंदर कि इसमें अभी भी दास वगैरह है कि नहीं, अगर नहीं है तो इसको आप लोग सिंपली फिटिंग कर सकते हैं। जो दास एब्जॉर्बर है इसको भी मैं थोड़ा यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश करूँगी कि अंदर का दास यहाँ पे आ जाए, तो उसको भी मैंने थोड़ा ऐसा यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। इस तरह से अंदर का जो दास था उसको ये निकाल सके, इसके लिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे अभी बिल्कुल एक क्लीन हो गया है, अभी इसको डायरेक्टली यहाँ पे फिट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करने की जरूरत है, ये डायरेक्टली यहाँ पे फिट नहीं होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा हमें। भी फिटिंग नहीं हुआ है, इसका जो स्क्रू का जो होल है उसको आप लोग अच्छे से एडजस्ट कीजिए ताकि ये अच्छे से फिट हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसको बिठा दिया है इसके अंदर, और अभी क्या करेंगे स्क्रू को अगेन इसके अंदर टाइट करेंगे धीरे धीरे करके। लेकिन आप लोग एक चीज़ कंफर्म कर लीजिएगा कि स्क्रू का जो होल है वो बिल्कुल से बिल्कुल सेटअप हुआ है, अंदर में जो मतलब एडजस्ट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हुआ है कि नहीं, ये जरूर से देख लीजिए, नहीं तो आपका लेंस खराब हो सकता है। तो अभी धीरे धीरे करके आपको इसको टाइट करना है, ज़रा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, पहले सारा इसको यहाँ पर फिट कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। बस हो गया, अच्छे से ये हो गया है। अभी क्या करेंगे, लेंस का जो बाहर का हिस्सा है उसको इस तरह से ब्लोअर से क्लीन करेंगे। तो इसे क्लीन करने के बाद यहाँ पे ब्रश से इसको हल्का सा रब करेंगे।
खोलना पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, तो इसको इतना ज़्यादा फंगस नहीं है इस लेंस में अभी, इसके लिए हम आज इसको बैक साइड से नहीं खोलेंगे ताकि बाद में एडजस्ट करने के लिए कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। अभी तक एक चलता रहेगा तो उसकी वजह से इसको अभी कोई ज़रूरत नहीं है बाहर इस तरफ से खोलने की, तो इसके लिए मैं आज इसको यहाँ से नहीं खोलने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला कैनन का जो 55-250 mm का लेंस है अभी कितना क्लीन हो गया है, पूरा सरफेस आप लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं। इसका जो अंदर जो फंगस वगैरह था वो सब कितना क्लीन हो गया, लेकिन थोड़ा सा छोटा छोटा पार्टिकल यहाँ पे रह गया है। इतना मैं प्रोफेशनल टूल के साथ इसको नहीं कर रहा हूँ, उसकी वजह से ये थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन जितना हो सके यहाँ पे फंगस जो था वो दूर हो गया, लेकिन थोड़ा सा डस्ट पार्टिकल की अंदर यहाँ पे रह गया है, लेकिन उसको भी हम अच्छे से करेंगे। ज़्यादा टाइम इसको लेंगे तो अच्छे से हम इसको भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप लोग घर पे ही कर सकते हैं। अभी ये लेंस बहुत ही क्लीन हो गया और शाइन भी कर रहा है, जैसे पहले नया जैसा हो गया है अभी।